हे गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन चैनल। माचिस का यूज आप सभी लोगों ने जरूर किया होगा। माचिस एक ऐसी चीज है जिसके बिना हम आग नहीं जला सकते। वैसे क्या आपके दिमाग में बिना माचिस बॉक्स के आग जलाने का कोई और तरीका आता है? नहीं आएगा। वैसे आज के जमाने में गैस वाले लाइटर जरूर आ चुके हैं, लेकिन सभी शुद्ध चीजों को जलाने के लिए हमें माचिस का यूज करना पड़ता है। अगर हम पुराने समय की बात करें तो उस समय आग जलाना बहुत ही कठिन कार्य हुआ करता था, जब पत्थरों को रगड़ने पर आग जलती थी। लेकिन इस तरीके से आग जलाना बहुत मुश्किल था, लेकिन हम आज माचिस की मदद से सिर्फ एक तिली की से ही आग जला लेते हैं। हमने कई बड़े बड़े आविष्कारों पर वीडियो बनाए हैं इस चैनल पे, लेकिन कई बार हम इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते। तो चलिए जानते हैं आज होमस्टेड पे इस माचिस के इन्वेंशन के बारे में और कुछ उसके फैक्ट्स के बारे में। मेरे साथ मैं हूँ विशाल और आप देख रहे हैं होमस्टेड। शुरुआत में लोगों को माचिस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इस वजह से माचिस लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक थी और उस समय पर माचिस के कारण कई दुर्घटना भी हुई थी। शुरुआत में एक लकड़ी पर गोंद, स्टार्च, एंटीमनी सल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड जैसे एलिमेंट के लेप बनाकर लकड़ी पर लगाया जाता था और फिर उसे सूखने के लिए रख दिया जाता था। बाद में इसे किसी खुदरी जमीन पर रगड़ने पर चिंगारी निकलती थी जिससे आग जलाई जाती थी, और इसी तरह से उस टाइम पे माचिस का आविष्कार हुआ था। कुछ समय बाद माचिस को सैमुअल जोन्स ने अपने नाम पेटेंट करवा लिया। इसका नाम लूसिफर मैच था। नीदरलैंड में आज भी माचिस को लूसिफर के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले माचिस का आविष्कार करने की कोशिश रॉबर्ट नाम के एक फिजिसिस्ट द्वारा की गई थी। इन्होंने साल 1680 में माचिस बनाने के लिए फॉस्फोरस और सल्फर का यूज किया था, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में वो असफल रहे क्योंकि उनके द्वारा उपयोग किए गए सारे मटेरियल ज्यादा ज्वलनशील थे। इसके बाद भी वैज्ञानिकों द्वारा इस पर तरह तरह की रिसर्च होती रही, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला जिसकी मदद से आम नागरिक तक आग जलाने का कोई तरीका पहुंचाया जा सके। 17वीं शताब्दी के बीच में केमिस्ट हेनिंग ब्रांट, जिन्होंने सोने को शुद्ध करने के लिए तरह तरह की मेटल का एक्सपेरिमेंट किया, जिससे कि उन्होंने ये पता लगाया था कि शुद्ध फास्फोरस को किस तरह से निकाला जा सकता है। साथ ही केमिस्ट हेनिंग ब्रांट ने कई जांच के बाद फास्फोरस को अलग करने की प्रोसेस का भी पता लगा लिया था। उनके द्वारा खोजी गई ये प्रोसेस भविष्य में कई रिसर्च करने को काम आई। आज आप जिस मॉडर्न माचिस का यूज कर रहे हो ना, उस मॉडर्न माचिस की खोज 31 दिसंबर 1827 को ब्रिटेन के वैज्ञानिक जॉन वॉकर द्वारा की गई थी। इस माचिस का उपयोग करने में बहुत ही ज्यादा मेहनत पड़ती थी क्योंकि इसको जलाने के लिए किसी कठिन जगह पे या लकड़ी के ऊपर इसे घिसना पड़ता था, तब जाके ये माचिस जलती थी। इस माचिस को बनाने में जॉन वॉकर ने पोटेशियम क्लोरेट एंटीमनी सल्फाइड का उपयोग किया था, जिससे माचिस के आगे के हिस्से की तिली में लगाया जाता है। जॉन वॉकर ने जिस माचिस का इन्वेंट किया था, उस माचिस को यूज करते समय छोटी छोटी चिंगारियां और विस्फोट भी होते थे। इस माचिस का यूज करते समय एक अलग तरह की दुर्गंध भी आती थी। भारत में माचिस बनाने के लिए पॉपुलर के पेड़ की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। इस लकड़ी से बनी माचिस की तिली बहुत ही देर तक जलती है, लेकिन बहुत सी कंपनियां माचिस बनाने के लिए तरह तरह की लकड़ी की उपयोग करती है। पॉपुलर के अलावा दूसरी पेड़ों की लकड़ियों से बनी माचिस की तिली ज्यादा देर तक नहीं जलती है। और अगर हम सबसे अच्छी माचिस की लकड़ी की बात करें तो सबसे अच्छी माचिस अफ्रीका में पाई जाने वाली अफ्रीकी ब्लैकवुड से बनाई जाती है। माचिस की तिली बनाने के लिए फास्फोरस केमिकल का उपयोग किया जाता है। फास्फोरस बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील केमिकल एलिमेंट होता है। ये इतना ज्यादा ज्वलनशील एलिमेंट होता है कि हवा के संपर्क में आते ही जलने लगता है। इसकी वजह से माचिस की तिली बनाने के लिए फास्फोरस में और भी कई एलिमेंट मिलाए जाते हैं। माचिस की डिब्बी की साइड में लाल फास्फोरस लगा होता है और माचिस की तिली के ऊपर पोटेशियम क्लोराइड लगा होता है। जब इन दोनों का घर्षण होता है तो माचिस की तिली जल उठती है। माचिस बॉक्स अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है कि बत्ती या लैंप की नोक। माचिस को हिंदी में क्या कहा जाता है आपको पता है? उसे हिंदी में दियासली कहा जाता है, और उत्तर प्रदेश में दियासली की मेजर इंडस्ट्री है जो बरेली में स्थित है। माचिस के कुछ फैक्ट्स जानने से पहले, अगर आपने अभी तक होमस्टेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन को जरूर दबा दो ताकि होमस्टेड के आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले।
माचिस का पहला फैक्ट ये है कि कहा जाता है कि जापान के कुछ परिवार ने कलकत्ता में आकर हाथ से माचिस बनाना शुरू किया था कई वर्षों पहले। माचिस का दूसरा फैक्ट ये है कि सिगरेट लाइटर जिनका आविष्कार 1816 में हुआ था वो माचिस के आविष्कार से कई सालों पहले हो गया था, मतलब कि लाइटर का आविष्कार माचिस से पहले हो गया था। माचिस का तीसरा और आखिरी फैक्ट ये है कि दुनिया भर में हर साल लोगों द्वारा लगभग आधे ट्रिलियन माचिस का उपयोग किया जाता है, मतलब बहुत सारे पेड़ों की कटाई। तो आपको क्या लगता है, माचिस इन पेड़ों की बजाय किसी और वस्तु से बनाई जा सकती है? मुझे बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। तो बस आज के इन्वेंशन के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि होमस्टेट के आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मिलता हूँ अगले हफ्ते एक नए इन्वेंशन के वीडियो में। तब तक के लिए आप सेफ रहिए, हैप्पी रहिए, अपने आजू बाजू सफाई रखें, नियमों का पालन करें और ईमानदार बने।